इस महामारी के खिलाफ ये जो जंग हम लड़ रहे हैं इसमें सफलता मिल पाए और कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो 1,70,000 करोड़ से ज़्यादा का आज घोषणा की गई है, इसके माध्यम से अन्नदाता हो, मजदूर हो, गरीब हो, वृद्ध हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, समाज का वो पिछड़ा, वंचित, शोषित, उस सब के लिए आज ये कदम उठाए गए। आशा वर्कर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंटलाइन हमारे जो ये योद्धा हैं, इनके लिए सरकार ने तय किया है कि ये जो अपने समर्पित भाव से और स्वार्थ रहित रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50,00,000 रुपये की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है और इससे लगभग 20,00,000 ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे। और हमारा मानना है कि देश भर के ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जहां पूरे देश ने कुछ दिन पहले शाम को उनका आभार प्रकट किया था, आज सरकार ने अपनी ओर से कदम दूसरा रखा है ताकि उनके बारे में भी विचार किया जा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ का होगा और इसमें अगर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी गरीब इस कारण से परेशान ना हो कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त गेहूं, चावल या दाल ना हो। तो उसके लिए पहला कदम जो उठाया गया है वो प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसके माध्यम से 5 किलो गेहूं या चावल ये लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक मिलेगा और इसमें इनको 1 रुपया भी अपनी तरफ से नहीं देना है। ये अतिरिक्त लाभ इनको दिया गया है। ऐसे 80 करोड़ लाभार्थी जिनको 5 किलो गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक ये लगातार मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा जो उनको मिलता है उससे ज़्यादा, और ये जो PDS के सिस्टम के माध्यम से मिलता है उसके अलग से ये देने हैं। और इसके अलावा जो दाल इनको मिले तो 1 किलो दाल का प्रावधान भी परिवार के लिए किया गया है और ये भी अगले 3 महीनों तक लगातार मिलती रहेगी। ये भी अपने क्षेत्र के अनुसार जिस तरह की दाल वो चाहते हैं वो उपलब्ध करवाने का सरकार का प्रयास रहेगा ताकि उनकी मांग के अनुसार ही वो उनको मिल सके। देश के 130 करोड़ लोगों के पेट भरने के लिए अन्नदाता दिन रात पसीना बहाते हैं और उनको इस कठिन समय में परेशानी ना हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अप्रैल में पहले ही हफ्ते में, यानी कि आज से कुछ दिनों में, उनके खाते में 2,000 रुपये की किश्त डाल दी जाएगी और ये लगभग 8,70,00,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। देश के 8,70,00,000 किसानों को 2,000 रुपये की किश्त अप्रैल के पहले हफ्ते में उनके खाते में डाल दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से जो लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उनको लाभ कैसे मिले, इनके लिए दिहाड़ी भी बढ़ाकर 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है और लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे जो अपने परिवारों को, लगभग 20 करोड़ लोगों के लिए वो मजदूरी करके कुछ ना कुछ करते हैं, उन 5 करोड़ लोगों के लिए जब ये दिहाड़ी बढ़ेगी तो उसका लाभ भी उनको मिलेगा और लगभग 2,000 रुपये का उनकी आय में वृद्धि होगी। संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो नौकरी करने वाले हैं या नौकरी देने वाले हैं, इन दोनों के लिए ही, और वो संस्थान जहाँ पर 100 से कम एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो 15,000 रुपये से कम महीने का वेतन पाते हैं, ऐसे
जहां 90% से कम एम्प्लॉयज होंगे, जहां पर जो 15,000 से कम वेतन पाते हैं, और जिस संस्थान के 100 से कम एम्प्लॉयज हैं उनके लिए सरकार मदद करने के लिए आगे आई है कि नौकरी करने वाले का 12% जो हिस्सा है वो भी सरकार डालेगी और नौकरी देने वाले का 12% हिस्सा भी सरकार। अब रसोई गैस का सिलेंडर के लिए उनको दिक्कत ना हो तो अगले 3 महीने तक ऐसी 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को, जिनको उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर मिला था, उनको मुफ्त में अगले 3 महीने तक रसोई गैस के सिलेंडर मिलते रहेंगे।